फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू के अध्यक्ष अंकिव बसोया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस मामले में गुरुवार को एबीवीपी ने अंकिव बसोया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए संगठन से निष्कासित करने के साथ ही डूसू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा है। एबीवीपी के टिकट पर इसी साल दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू के अध्यक्ष का चुनाव जीते अंकिव बसोया की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। फर्जी डिग्री मामले में फंसे अंकिव बसोया के खिलाफ गुरुवार को उनके ही संगठन एबीवीपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठन से निकाल दिया। एबीवीपी ने कहा कि फर्जी डिग्री मामले की जांच खत्म होने तक अंकिव बसोया को संगठन की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। साथ ही एबीवीपी ने अंकिव बसोया को तत्काल डूसू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को भी कहा है। उधर एनएसयूआई ने इस मामले में कहा कि 20 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आने वाले फैसले के चलते एबीवीपी ने ये कार्रवाई की है। अंकिव बसोया ने इसी साल सितंबर महीने में डूसू के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। चुनाव जीतने के बाद एनएसयूआई समेत कई दूसरे छात्र संगठनों ने अंकिव बसोया की डिग्री और एडमिशन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट डूसू अध्यक्ष पद का फिर से चुनाव कराए जाने का फैसला देगा। दरअसल डूसू के संविधान के मुताबिक री इलेक्शन 2 महीने के अंदर ही हो सकता है और डूसू को चुनाव हुए 2 महीने बीत चुके हैं।